कंडीशन के लाइन y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी टेंजेंट हो कोण से, y स्क्वायर इक्वल टू 4x से टेंजेंट होगी अगर c बराबर है a अपॉन m की, एलिप्स के टेंजेंट तब होगी अगर c बराबर होगा प्लस माइनस a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की, हाइपरबोला से तब होगी अगर c बराबर होगा प्लस माइनस a स्क्वायर m स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। मेरे भाई एक और बड़ी अहम चीज़ होती है कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ कॉनिक सेक्शन, ये होती है जनरल इक्वेशन ऑफ कॉनिक सेक्शन, या ये कह लें कि इसका पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन तब होगी अगर ये वाला डिटरमिनेंट किसके इक्वल आ रहा हो, जीरो। सर्कल के इक्वल कब होगी, अगर एच स्क्वायर माइनस ए बी लेस देन जीरो हो और ए इक्वल टू बी के। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट सेम हो तो सर्कल होता है। एलिप्स की इक्वल कब होगी, अगर एच स्क्वायर माइनस ए बी लेस देन जीरो आ रहा हो और ए और बी आपस में इक्वल ना हो। अगर एच स्क्वायर माइनस ए बी जीरो आ रहा हो तो पैराबोला, और अगर एच स्क्वायर माइनस ए बी ग्रेटर देन जीरो आ रहा हो तो हाइपरबोला। सेंट्रल ऑफ जनरल इक्वेशन अगर चाहिए हो किसी भी इक्वेशन एच एफ माइनस बी जी ए एच माइनस ए एच स्क्वायर, ये बड़े काम का फार्मूला है, चाहे पैराबोला एलिप्स हो सर्कल हो, जी एच माइनस ए एच ए बी माइनस एच स्क्वायर, ये इंपॉर्टेंट तरीन फार्मूला है। और एक बार फिर बता रहा हूँ, देखिए कंडीशन y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी अगर हमारी पैराबोला की है तो ये होगी बात, एलिप्स की है तो ये, हाइपरबोला की है, और ये इक्वेशन जो रिप्रेजेंट कर रही होती है पेयर ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन्स को, ये हमारा एक पहला पॉइंट होता है। सर्कल के लिए एच स्क्वायर माइनस ए बी लेस देन जीरो होगा या ए इक्वल टू बी होगा, एलिप्स के लिए एच स्क्वायर माइनस ए बी लेस देन जीरो, ए लेकिन बी के इक्वल नहीं होगा, पैराबोला के लिए एच स्क्वायर, यानी इन दोनों में फ़र्क क्या है सर्कल और एलिप्स में, या ए बी के बराबर है एलिप्स में नहीं है, तभी अगर ये बराबर हो जाएगा तो एलिप्स नहीं रहेगा ना भाई, सर्कल बन जाएगा। ये पैराबोला की कंडीशन हो गई, ये हाइपरबोला की, और ये पॉइंट हो गया कोई भी हमें सेंटर निकालना हो किसी भी जनरल पॉइंट। थैंक्स।